हेलो गाइस, माय नेम इज नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग कुछ फन करने वाले। आई होप आपने गेम ऑफ थ्रोन्स जो सीरीज है वो देखा है। हम लोग गेम ऑफ थ्रोन्स के डेटा के ऊपर एक पर्सनालिटी मैचर वेबसाइट बनाने वाले हैं। वो वेबसाइट क्या करेगा, वहां पर एक यूआई होगा जहां पे आप कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को सेलेक्ट कर सकते हो और फिर हमारा जो वेबसाइट है वो आपको बताएगा कि जो सेलेक्टेड कैरेक्टर है उससे नियरेस्ट पर्सनालिटी किस कैरेक्टर का है। ठीक है, सो सबसे पहले आई विल शो यू द डेमो। मैंने ये वेबसाइट ऑलरेडी बना रखा है, मैं आपको एक बार ये डेमो दिखाता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो यू कैन सी दिस इज द वेबसाइट गेम ऑफ थ्रोन्स पर्सनालिटी मैचर। और जैसे आप इसको स्टार्ट करोगे, अब मैंने कोड इस तरीके से लिख रखा है कि सबसे पहले जो इनपुट कैरेक्टर है वो टेरियन लैनिस्टर है और हमारी वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो नियरेस्ट पर्सनालिटी मैच है टेरियन का, दैट इज हिज सिस्टर सर्सी। ठीक है, अब आप लोगों में से कुछ लोग अग्री नहीं करोगे तो मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ जहां पे आपको लगने लगेगा कि हाँ ये वेबसाइट अच्छा कर रही है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ लेट्स से पीटर बेलिश। एक बार अपने दिमाग में आप इमेजिन करो पीटर बेलिश को। ऑब्वियसली अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो पीटर बेलिश के नियरेस्ट आपको क्या लगता है कौन होगा, लेट मी शो यू। सो अगर आप पीटर बेलिश सेलेक्ट करते हो, सो हमारा एल्गोरिदम बोल रहा है कि द नियरेस्ट पर्सनालिटी टू पीटर बेलिश इज वैरिस। ठीक है, और एक्चुअली अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा तो आपको शायद यही पिक्चर आया होगा दिमाग में कि ये दोनों बंदे बहुत सिमिलर सा काम करते थे, बहुत सिमिलर सी मिस्टीरियस पर्सनालिटी थी इनकी। ठीक है, और एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक और एग्जाम्पल में आई वुड शो यू लेट्स से ओलियाना टायरेल, बेसिकली दिस लेडी। एंड यू कैन सी अगेन जो सबसे नियरेस्ट पर्सनैलिटी मैच है वो उसकी ग्रैंड ऑथर है मार्जरी। और अगर हम ले तो वी कैन हैव लेट्स से द हाउंड। अगर आप द हाउंड को इमेजिन करो तो फिर से वीडियो पॉज करके सोचना, थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा कि कौन उसके नियरेस्ट पर्सनैलिटी वाला लगता है। सो द हाउंड के केस में द आंसर इज ब्रॉन। एंड अगेन यू कैन सी दोनों पैसा लेकर के लोगों को मारने का काम करते थे, या जिससे पैसा लिया उसकी सेफ्टी इंश्योर करने का काम करते थे। तो यू कैन सी ये वेबसाइट ठीक ठाक काम कर रहा है। ठीक है, कुछ जगहों पे आई डिड नॉट अग्री कम्प्लीटली, बट उसका रीजन ये है कि मैंने इस वेबसाइट के एल्गोरिदम को फुली अभी ट्यून नहीं किया है, उतना टाइम मुझे नहीं मिल पाया। बट मैं इसका कोड आपको दे दूंगा, आप खुद से पूरा इसको ट्यून कर सकते हो एंड यू नेवर नो, आपको बहुत ही परफेक्ट सी एक वेबसाइट मिल सकती है। ठीक है, सो अब मैंने आपको डेमो दिखा दिया, अब लेट्स डिस्कस कि इस वेबसाइट को बनाने के लिए हमें क्या करना है। सो इस वीडियो में मैं आपको तीन चीजें सिखाऊंगा। पहली चीज तो क्लियरली मैं आपको ये मिनी प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा। दूसरी चीज जो है वो है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि हायर डायमेंशन डेटा को विजुलाइज कैसे किया जाता है ग्राफ प्लॉट करके। अब आप बोलोगे यार ये कहां से आया, गेम ऑफ थ्रोन्स की बात कर रहे थे वहां से ये मशीन लर्निंग का टॉपिक कैसे आया। एक्चुअली दोनों बहुत रिलेटेड है। इनफैक्ट फन फैक्ट, जब मैं ये वीडियो प्लान कर रहा था तो मेरे दिमाग में गेम ऑफ थ्रोन्स का आइडिया भी नहीं था। मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाना चाहता था जहां पे मैं आपको हायर डायमेंशनल डेटा का ग्राफ प्लॉट करके दिखाना चाहता था, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया, क्योंकि उनसे बहुत लोग इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ हायर डायमेंशनल डेटा को कैसे प्लॉट किया जाता है। तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स और ये हायर डायमेंशन में डेटा को प्लॉट करना, ये दोनों रिलेटेड है, ये आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। तो और थर्ड चीज जो है जो इस वीडियो में आप सीखोगे वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो देन। ठीक है, तो पहली चीज हम लोग सीखेंगे हाउ टू प्लॉट हाई डायमेंशनल डेटा ऑन अ ग्राफ। ठीक है, अब आपको भी पता है मशीन लर्निंग में अगर आपके पास एक ऐसा डेटा सेट है जहां पे आपके पास इनपुट में एक या फिर दो कॉलम्स हैं या फिर लेट्स से तीन कॉलम्स हैं, जैसे कि एक एग्जांपल हो सकता है कि हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है जहां पे इनपुट में वी हैव सीजीपीए, वी हैव आईक्यू एंड देन उसका प्लेसमेंट हुआ कि नहीं। तो ये जो डेटा है ना, इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप इसको बहुत इजिली प्लॉट कर सकते हो। आप एक्स एक्सिस पे सीजीपीए को डाल दो, वाई एक्सिस पे आईक्यू को डाल दो, सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दो, ये आप कर सकते हो। इनफैक्ट एक और अगर कॉलम भी होता, लेट्स से 12th में मार्क्स कितने थे, तो इसको भी आप प्लॉट कर सकते थे और 3D में इसको देख सकते थे। बट व्हाट इफ और ज्यादा कॉलम्स आ जाए, 10th में मार्क्स कितने हैं,
या फिर एज कितना है, इस तरह के अगर और कॉलम्स ऐड होते जाएं, तो अब ये डेटा 3D से ऊपर चला गया और हमें पता है कि हम 3D के ऊपर विजुलाइज नहीं कर सकते। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि एक बात आप सभी अग्री करोगे, अगर आपने कभी भी किसी भी तरह के मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में काम किया होगा तो आपको पता होगा कि जब तक आप डेटा को देख नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तक उस पर काम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए मशीन लर्निंग में इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग जब भी आपको ऐसा डेटा मिले जो 2D से ऊपर हो, 3D से ऊपर हो, और ऐसा बहुत टाइम होता है। तो दैट इज वाई इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बताओ हायर डायमेंशनल डेटा को कैसे प्लॉट करोगे। अब द आंसर इज वेरी सिंपल, शायद आपको पता भी होगा, द आंसर इज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। सो आप क्या करते हो कि आप जो 10D डेटा है या 20D डेटा है उसको, उसके सारे डायमेंशन को हटा देते हो और सिर्फ दो या फिर तीन डायमेंशन को रखते हो, ठीक है? और जैसे आप उसको टू और थ्री डायमेंशन में लाते हो तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, और जब आप ये डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करते हो तो आप ये इंश्योर करने का ट्राई करते हो कि जो इंफॉर्मेशन हायर डायमेंशन में था उसका 95% 99% आप रिटेन कर पाओ और लोअर डायमेंशनल स्पेस में ला पाओ। अब ये काम करने के लिए एक बहुत बढ़िया एल्गोरिदम होता है PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जो मैंने आपको बहुत डिटेल में अपने चैनल पे पढ़ा रखा है। अगर आपको थोड़ा आइडिया लेना है, आपने नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। बट PCA का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप कई जगहों पे उसको डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। लेट मी शो यू क्या प्रॉब्लम है PCA में। सो PCA का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो लीनियर सॉर्ट ऑफ डेटा के ऊपर अच्छा काम करता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। जैसे ये एक 2D डेटा है और मान लो मुझे इसको 1D में लेके आना है, मतलब ये जो रिलेशनशिप है इन पॉइंट्स का एक दूसरे के साथ इन अ 2D स्पेस, मुझे किसी तरीके से उसको 1D स्पेस में कैप्चर करना है। तो PCA क्या करेगा, PCA उसको इस तरीके से सारे पॉइंट्स को गिरा देगा इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर गिरा देगा। तो सिंस ये डेटा काइंड ऑफ लीनियर था, तो आप फिर भी ये इंफॉर्मेशन रिटेन कर पाओगे कि इन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस था 2D में सॉर्ट ऑफ उतना ही डिस्टेंस या उससे थोड़ा कम डिस्टेंस आपको 1D में मिल रहा है। इन शॉर्ट इस तरह के डेटा के ऊपर PCA आपको अच्छे रिजल्ट्स दे देगा। बट यहां पर देखो, ये एक डेटा है जो काइंड ऑफ स्पाइरल है। अब स्पाइरल मान लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है, सबसे अंदर वाला पॉइंट और ये बाहर वाला पॉइंट। अब इसके ऊपर अगर आप सेम टेक्निक यूज करो तो ये दोनों पॉइंट्स एकदम अगल बगल आ गए, जबकि इस 2D डेटा में ये दोनों पॉइंट्स एक्चुअली बहुत दूर हैं। मतलब एटलीस्ट अगर आप डेटा का पैटर्न फॉलो करो तो ये पॉइंट्स बहुत दूर होने चाहिए। सो ये जो ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप था इन दो पॉइंट्स का इस 2D स्पेस में, PCA उसको 1D स्पेस में बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पाया। तो इस तरह के सिनेरियोज में आपका PCA एल्गोरिदम फेल करता है। तो मैं आपको एक इससे बेटर सॉल्यूशन बताता हूँ, और उस एल्गोरिदम का नाम है जो हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है टीसने। शायद आपने नाम सुना होगा। टीसने बहुत ही मस्त एल्गोरिदम है और बहुत यूज किया जाता है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। जब भी आपके पास हायर डायमेंशनल डेटा है उसको लो डायमेंशन में ला करके विजुअलाइज करने के लिए टीसने इज द बेस्ट एल्गोरिदम अवेलेबल। इसकी खुद की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जिसकी वजह से PCA भी यूज किया जाता है। तो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। बट अगर आपको डेटा विजुअलाइजेशन करना है, उसके लिए बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन एटलीस्ट, मतलब मोस्ट ऑफ द डेटा सेट्स के ऊपर टीसने ही है, ठीक है? तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं आपको टीसने का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा। कुछ मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स में नहीं घुस रहा, बिकॉज दिस इज सपोज टू बी अ फन वीडियो, मैं इसको बर्बाद नहीं करना चाहता। तो इन शॉर्ट टीसने क्या करता है कि हायर डायमेंशनल स्पेस में जो पैटर्न्स हैं पॉइंट्स के बीच में, उन पैटर्न्स का इंफॉर्मेशन को रिटेन करता है लो डायमेंशनल स्पेस में। अब ये कैसे करता है, ये थोड़ा टेक्निकल है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक डाल दूंगा जहां पे जो क्रिएटर है इस एल्गोरिदम का, उसने एक्सप्लेन किया है कि टीसने कैसे काम करता है। 1 घंटे का एक लेक्चर है, अगर आप देख पाओ तो आपको काफी नॉलेज होगा। अदरवाइज फ्यूचर में आई विल क्रिएट अ वीडियो स्पेसिफिकली ऑन टीसने की वो कैसे काम करता है और उसको कैसे चलाना है एंड ऑल। बट या इस पॉइंट पे बस इतना समझ लो कि टीसने का काम है कि वो हाई डायमेंशनल में जो पैटर्न्स है, जो जिस तरीके से डेटा ऑर्गेनाइज्ड है हायर डायमेंशन में, उसको खींच करके लोअर डायमेंशन में लेके आता है वाइल रिटेनिंग दैट इंफॉर्मेशन। और जब आप उसको लोअर डायमेंशन में लेके आते हो तो उसको एम्बेडिंग बोला जाता है, ठीक है? वो जो फीचर्स को पकड़ के नीचे लेके आया जाता है लो डायमेंशन में, उसको एम्बेडिंग बोला जाता है। तो एम्बेडिंग को एक्सट्रैक्ट किया जाता है हायर डायमेंशन से। सो अभी मैं क्या करूंगा, मैं आपको 2 स्टेप्स में ये पूरी चीज बना के दिखाऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप में व्हाट आई विल डू इज, मैं एक बहुत फेमस डेटा सेट है एमनेस्ट डेटा सेट,
हैंड राइटिंग डेटा सेट, उसके ऊपर मैं आपको पहले चला के दिखाऊंगा टीस ने, सो दैट आपको थोड़ा आइडिया हो कि हम क्या बात कर रहे हैं, और फिर ये जो हम सीखेंगे इसको अप्लाई करेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स के डेटा सेट के ऊपर, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज मैंने कोड पहले से लिख रखा है, आई विल गिव यू अ वॉक थ्रू ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। सो हमारे पास एमनेस्ट डेटा सेट है जहाँ पे हमारे पास अराउंड 42,000 इमेजेस का पिक्सल बाय पिक्सल डेटा है। ये सारे इमेजेस बहुत लो रेजोल्यूशन इमेजेस हैं, 28x28 रेजोल्यूशन। हमने उसको पूरा का पूरा कन्वर्ट कर रखा है इनटू टेबुलर डेटा। यू कैन सी हमारे स्क्रीन पर दिस इज द डेटा, मैंने उसको लोड कर रखा है। सो यहाँ पे हर रो एक फोटोग्राफ है और इस फोटो में कोई एक डिजिट का फोटो है, ठीक है? सो पहला जो फोटोग्राफ है वो 1 का है, दूसरा जो है वो 0 का है, तीसरा 1 का है, चौथा 4 का है, एंड सो ऑन, ठीक है? बाकी के जो सारे कॉलम्स हैं पिक्सल 0 से लेके पिक्सल 783 तक, ये टोटल 784 पिक्सल्स की वैल्यू है। सो 28x28 हमारा फोटोग्राफ है, 28x28 वुड बी 784। सो हर फोटो में देर आर 784 पिक्सल्स, हर पिक्सल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? अब हमारा काम क्या है कि हम इस डेटा को विजुलाइज करना चाहते हैं। हम ये जो 42,000 रोज है हमारे पास, इस डेटा का शेप बाय द वे ये है, आई विल शो यू। सो देर आर 42,000 इमेजेस और सभी में 787, अच्छा मैंने थोड़ा आगे में चेंजेस किए इसलिए 787 हो गया, अदरवाइज ये 785 दिखाई देगा। सो एनीवेज मेरे पास 42,000 अलग रोज हैं, अलग अलग डिजिट्स के फोटोग्राफ्स हैं। अब मुझे इनको प्लॉट करना है, बट मैं इनको प्लॉट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, 785 कॉलम्स हैं और इनपुट में 784 कॉलम्स हैं, 784 पिक्सल्स का 784 कॉलम्स, तो मैं इनको प्लॉट नहीं कर सकता। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर टीसने अप्लाई करेंगे। और टीसने कैसे अप्लाई करेंगे कि हम इन 784 कॉलम्स वाले डेटा को टू डायमेंशन में लेके आएंगे वाइल रिटेनिंग द इंफॉर्मेशन कि ये पॉइंट्स उस स्पेस में कैसे अलाइंड है, ठीक है? अब ये करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स करने हैं। बाय द वे यहाँ पे मैंने आपको पहला वाला इमेज प्लॉट करके दिखाया है सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, sklearn डॉट मैनिफोल्ड से आपको टीस्ने क्लास को इम्पोर्ट करना है और उसके बाद बस टीस्ने का एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे आपने n कंपोनेंट्स का वैल्यू 2 डाल दिया। अब n कंपोनेंट्स मतलब आपको कितने कॉलम्स चाहिए आउटपुट में, तो आप 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 3 से ज्यादा करोगे तो फिर आप फिर से प्लॉट नहीं कर पाओगे। तो जनरली लोग या तो 2 रखते हैं या तो 3 रखते हैं। मैं आपको एक 2D ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊंगा। रैंडम स्टेट 1 2 3, देर आर सर्टेन थिंग्स विच दिस एल्गोरिदम डज, जो हर बार अलग अलग होता है, तो उसको फिक्स करने के लिए हमने रैंडम स्टेट 1 2 3 दे दिया। वर्बोज हमको आउटपुट बताएगा और बस उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड को एक्सेस करना है, फिट ट्रांसफॉर्म, और वहां पे अपने डेटा को पास कर देना है। और डेटा में क्या पास करना है, अपना पूरा इनपुट डेटा, आउटपुट नहीं बताना है, पूरा का पूरा इनपुट डेटा पास करना है, एंड दैट्स इट। इट वुड टेक अ बिट ऑफ टाइम बिकॉज डेटा बहुत बड़ा है, तो थोड़ा टाइम लगा, अराउंड 5 मिनट लगे थे मेरे मशीन पे, अब आपके मशीन पे मुझे नहीं पता। बट जैसे ही ये हो गया तो ये मुझे जेड बोल के एक चीज रिटर्न किया। अब जेड क्या है, लेट मी शो यू। सो मेरे पास जेड बोल के एक चीज आई विच इज बेसिकली अ नंपाई एरे, और यहाँ पे इट इज अ 2D एरे, एरे ऑफ एरेस। और अगर मैं इसका शेप निकालूं तो ये शेप है 42,000,2, तो अब आप समझ पा रहे हो कि ये क्या है, यही हमारा आउटपुट डेटा है। सो हमारा जो 784 डायमेंशनल स्पेस में 42,000 पॉइंट्स थे, अब वो 2D स्पेस में आ गए, ठीक है? और अब मैंने क्या किया, अपने डेटा फ्रेम में एक्स बोल के एक नया कॉलम बना लिया, वाई बोल के एक नया कॉलम बना लिया, और जेड के उन दोनों वैल्यूज को मैंने डाल दिया। सो अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं df डॉट हेड करके, यहाँ पर यू वुड सी कि हर पॉइंट के लास्ट में 2 नंबर्स हैं, एक्स और वाई। सो 784 स्पेस में ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट फोटोग्राफ को, बट हमारे 2D स्पेस में ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पहले फोटोग्राफ को, ठीक है? और अब सिंस हमारे पास एक्स और वाई आ गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली प्लॉटली को कॉल किया। प्लॉटली एक प्लॉटिंग लाइब्रेरी है, उसके अंदर स्कैटर फंक्शन है, और मैंने बस अपना डेटा फ्रेम पास किया, जो जो कॉलम्स मुझे प्लॉट करने थे वो पास किया, और कलर में मैंने बता दिया मेरा आउटपुट कॉलम लेबल, और बस मैंने उसको रन कर दिया, एंड दिस इज द आउटपुट ऑन योर स्क्रीन। यू कैन सी
This is the 2D representation of that 784 dimensional data. और यहाँ पे यू कैन सी कि 10 क्लस्टर्स बने हैं और सारे के सारे जो डिजिट्स थे वो एक क्लस्टर में आ चुके हैं. जैसे कि अगर आप ये देखो, ये जो पर्पल क्लस्टर है, दिस इज मोस्टली वो पॉइंट्स है जो 1 वाला फोटोग्राफ है, ठीक है. अब इसके जो क्लोजेस्ट क्लस्टर है वो 7 वाला है, क्योंकि अगर आप सोचो थोड़ा सा तो 7 और 1 थोड़ा सिमिलर है, ठीक है. 1 में अगर आप एक और लाइन ऐड कर दो तो 7 बन जाता है, तो वो पैटर्न यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया. सिमिलरली ये 9 है, इसका क्लोजेस्ट 8 है, और फिर 5 है, 5 का क्लोजेस्ट 3 है, ठीक है, और 6 अलग है, 0 अलग है, दिस इज 4 एंड दिस इज 2, ठीक है. सो अब अगर आपको बोला जाता इनिशियली कि बताओ कैसा है ये पूरा डेटा, इमेजिन करके बताओ, आप नहीं कर पाते. बट आपने उसको जैसे ही पीस में अप्लाई किया, आप क्लियरली देख सकते हो कि कौन सा डेटा किस चीज के पास है, ठीक है. एंड दैट इज वॉट टीसने डज. टीसने एक हाई डायमेंशनल डेटा को लो डायमेंशन में ला करके प्लॉट करके आपको दिखा सकता है कि डेटा में पैटर्न्स क्या है, ठीक है. सो मुझे दिख रहा है क्लियर पैटर्न्स कि ये क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स जो 1 लेवल वाले हैं, ये 7 वाले के क्लोज है, ठीक है. तो इस तरह के पैटर्न्स आपको मॉडल बिल्डिंग के टाइम बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है. तो आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई. अब यही चीज को हम लोग यूज करेंगे टू बिल्ड आर गेम ऑफ थ्रोन्स पर्सनैलिटी मैचर. सो ये वेबसाइट बनाने के पहले मैं आपको अपना एक अजम्पशन बताता हूँ कि मैंने क्या अजम्पशन लिया ये पूरा प्रोजेक्ट बनाने के प्रोसेस में. सो माय हाइपोथेसिस वाज कि हमारी पर्सनालिटी वही होती है जो हम बात करते हैं. मतलब दिस वाज माय अजम्पशन. थोड़ा समझने का ट्राई करना, बहुत लूजली बोल दिया मैंने, बट एक इंसान पूरी लाइफ जिस तरीके से बात करता है उसकी पर्सनैलिटी वही होती है. आई नो इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, बट दिस इज माई हाइपोथेसिस जिसके ऊपर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है. सो वट आई डिड कि मुझे एक डेटा सेट मिला गेम ऑफ थ्रोन्स का. आई शो यू. सो दिस इज द डेटा सेट कैगल पे मिला मुझे. अब इसमें बहुत सारी जेसॉन फाइल्स हैं, बट मुझे मतलब इस फाइल से था, स्क्रिप्ट बैग ऑफ वर्ड्स डॉट जेसॉन. अब ये एक बहुत बड़ी जेसॉन फाइल है, और आपको पता है इसमें क्या है. इसमें एपिसोड बाय एपिसोड हर कैरेक्टर ने जो भी बोला है, जो भी उसके डायलॉग्स रहे हैं, वो सब लिस्टेड है. जैसे यहां पर देखो, अगर आप फर्स्ट वाले में घुसो तो दिस इज सीजन 1 एपिसोड 1, और वहां पे जितने भी कैरेक्टर्स ने जो भी सेंटेंसेस बोले हैं, जैसे इजी बॉय, कोई विल बोल के कैरेक्टर है उसने बोला, उसके बाद वेमार रॉयस ने ये बड़ी सी चीज बोली, फिर विल ने कुछ और बोला. तो बेसिकली जो स्क्रीन प्ले होता है ना, वो स्क्रीन प्ले की तरह यहाँ पर है. कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हर कैरेक्टर ने क्या डायलॉग्स बोले पूरे के पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स में. अगर आप लास्ट वाले में जाओ, सबसे आखिरी वाले में अगर आप जाओ, विच इज दिस वन आई गेस, तो एक्चुअली यहाँ पे पूरा प्रीव्यू मिल नहीं रहा है, सिर्फ शुरू के 3 आइटम्स दिखा रहे हैं. बट या अगर आप इस जेसॉन फाइल को डाउनलोड करो तो यू वुड सी कि पूरा का पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स में हर कैरेक्टर ने जो भी बोला है वो आपके पास इस फाइल में है. अब मैंने क्या किया कि सबसे पहले इस फाइल को इम्पोर्ट किया. आई शो यू. सो ये फाइल है, सबसे पहले मैंने इसको इम्पोर्ट किया, ये रही वो जेसॉन फाइल, और इसका मैं आपको टेल दिखाता हूँ, एज इन लास्ट 5 रोज दिखाता हूँ. तो यू कैन सी जो लास्ट रो है वो है सीजन 8 एपिसोड 6, विच इज द लास्ट एपिसोड ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स द आयरन थ्रोन. और इसका अगर आप इस आइटम पे फोकस करो, टेक्स्ट वाले आइटम पे, तो उस एपिसोड में जिस भी कैरेक्टर्स ने जो भी बोला सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है. इनफैक्ट आई विल शो यू दैट. सो अगर मैं यहाँ पे जाऊं और लिखूं df.iloc-1 का टेक्स्ट, यू कैन सी ये लास्ट एपिसोड का सारा डायलॉग्स है. टीरियन लैनिस्टर ने कुछ बोला, जॉन स्नो ने बोला, फिर टीरियन ने कुछ बोला, फिर ग्रेबॉम ने कुछ बोला, और ये सारा कुछ एक लिस्ट के अंदर हर डायलॉग एक डिक्शनरी में है. डिक्शनरी में 2 चीजें हैं, फर्स्ट किसने बोला, सेकेंड क्या बोला. सो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस बड़े से डेटा सेट को अपने हिसाब से चेंज किया. सो मैंने ये किया कि ये कोड अप्लाई किया, और इस कोड का आउटपुट ये था कि मेरे पास एक नया डेटा फ्रेम आ गया, जिस डेटा फ्रेम में 3 कॉलम्स थे. पहला कॉलम था कैरेक्टर का नाम, दूसरा जो कॉलम था उसमें उस कैरेक्टर ने पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स में जो भी बोला है सब कुछ है.
सो अगर आप फर्स्ट रो की बात करो तो टीरियन लैनिस्टर इज आर फर्स्ट कैरेक्टर, और उसने जो भी थ्रू आउट गेम ऑफ थ्रोन्स बोला, जितने भी वर्ड्स उसने बोले वो सब कुछ वर्ड्स के अंदर है, और थर्ड जो कॉलम है वो बताता है कि उस कैरेक्टर ने कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बोले। तो टीरियन लैनिस्टर ने गेम ऑफ थ्रोन्स में 26,000 वर्ड्स बोले हैं सबसे ज्यादा। उसके बाद सर्सी लैनिस्टर आती है, उसके बाद जॉन स्नो, उसके बाद डेनेरिस टारगेरियन, और टोटल मिला के हमारे पास 817 कैरेक्टर्स हैं जिन लोगों ने कुछ ना कुछ बोला है गेम ऑफ थ्रोन्स में। ठीक है, तो ये कैसे एक्सट्रैक्ट हुआ? ये सिंपल सा कोड है, बेसिकली हम उस जेसॉन स्ट्रक्चर में घुसे और हमारी काम की चीजें हम निकालते चले गए। थोड़ा सा स्ट्रिंग वगैरह अपेंड करना पड़ा, बट ये सब मैं आपको नहीं समझा रहा, मैं आपको कोर समझा रहा हूँ इस प्रोजेक्ट का। सो ये हमारा डेटा सेट बन गया। अब हमने क्या किया कि टॉप 100 कैरेक्टर्स लिए, मतलब 817 के 817 कैरेक्टर्स नहीं लिए, मैंने सिर्फ उन कैरेक्टर्स को लिया जिन्होंने मिनिमम 500 वर्ड्स बोले हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे ज्यादा आपको बोलना पड़ेगा टू शो योर पर्सनैलिटी, तो दैट इज वाई मैंने 500 का लिमिट रखा। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। तो अराउंड 100 कैरेक्टर्स मेरे पास बचे जिन लोगों ने 500 से ज्यादा वर्ड्स बोले हैं। ठीक है, दीज आर 500 नेम कैरेक्टर्स। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास हर कैरेक्टर है, उसने जो भी आज तक बोला है वो सब कुछ, तो हमें हर कैरेक्टर को वेक्टराइज करना है, मतलब वेक्टर में कन्वर्ट करना है। फिलहाल हर कैरेक्टर हमारे लिए क्या है, जो भी वर्ड्स उसने बोले हैं। सो टेरियन के लिए 25,000 वर्ड्स हैं, सो टेरियन मेरे लिए 25,000 वर्ड्स का एक सेट है। ठीक है, सिमिलरली सर्सी मेरे लिए 14,000 वर्ड्स का एक सेट है। सो मुझे क्या करना है, मुझे इनको वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, इनके वर्ड्स को, इनकी पर्सनालिटी को वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है। एंड फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज आई विल डू बैग ऑफ वर्ड्स, जो टेक्निक होता है, हम क्या करेंगे कि हम बैग ऑफ वर्ड्स अप्लाई करेंगे। बैग ऑफ वर्ड्स अप्लाई करने से क्या होगा कि जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं वो हर पर्सनालिटी में कितनी बार आए हैं, हम उसका एक वेक्टर बनाएंगे, और फिर इन वेक्टर्स को हम उन हायर डायमेंशनल स्पेस में प्लॉट करेंगे, और जो भी वेक्टर सबसे क्लोजेस्ट हैं वही हमारी क्लोजेस्ट पर्सनालिटीज हैं। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ ये चीज मैं जो बोल रहा हूँ। सो द आइडिया इज वेरी सिंपल कि टीरियन ले नेट से 24,000 वर्ड्स बोले, सर्सी ने लेट से 12,000 वर्ड्स बोले। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास 100 कैरेक्टर्स हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 100 के 100 कैरेक्टर्स ने जो सबसे मतलब जो सारे वर्ड्स बोले उन सबको मिला के एक बड़ा सा कॉर्पस बना देंगे। सारे वर्ड्स जितने भी बोले गए उनको मिला करके एक बड़ा सा कॉर्पस बना लेंगे। मान लो टोटल मिला के वो वर्ड्स हैं लेट्स से 10 लाख वर्ड्स हैं, इन सभी ने मिल करके 10 लाख वर्ड्स बोले हैं। अब इन 10 लाख वर्ड्स में से हम यूनिक वर्ड्स को निकालेंगे, लेट्स से यूनिक वर्ड्स हैं 2 लाख, या फिर और कम कर लेते हैं क्योंकि इतना ज्यादा नहीं होगा, लेट्स से यूनिक वर्ड्स हैं 15,000, एक्चुअली 15,000 ही है यूनिक वर्ड्स, मैंने निकाल के देखा है। सो 15,000 यूनिक वर्ड्स हैं, और अब आप क्या करोगे, उन यूनिक वर्ड्स को लिख लोगे। सो लेट्स से आपका पहला यूनिक वर्ड है लेट्स से गेम, वॉर, इस तरीके से सारे वर्ड्स हैं। आप इनको इस ऑर्डर में लिखोगे कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आए हैं उनको आप सबसे पहले लिखोगे, और जो सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंटली आए हैं उनको सबसे लास्ट में लिखोगे। तो टोटल मिला के आपके पास इस तरीके से 15,000 वर्ड्स हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं टीरियन से पूछूंगा जा करके एक एक करके कि तुमने गेम कितनी बार बोला, तो टीरियन ने गेम 50 बार बोला। वॉर कितनी बार बोला, टीरियन ने 100 बार बोला। थर्ड वर्ड कितनी बार बोला, 30 टाइम्स बोला। और जो लास्ट वर्ड है वो कितनी बार बोला, 10 टाइम्स बोला। तो ये जो सेट ऑफ नंबर्स मिल रहे हैं ना, ये सेट ऑफ जो 15,000 नंबर्स मिल रहे हैं, ये एक्चुअली एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है टीरियन की पर्सनैलिटी। ठीक है, सिमिलरली अब मैं सरसी के पास जाऊंगा और मैं पूछूंगा कि बताओ तुमने गेम कितनी बार बोला, तुमने वॉर कितनी बार बोला, तुमने थर्ड वर्ड कितनी बार बोला, तुमने लास्ट वाला वर्ड कितनी बार बोला। और अगेन ये जो 15,000 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है ये एक रिप्रेजेंटेशन है सरसी की पर्सनैलिटी का। ठीक है, इस तरीके से मुझे टोटल मिला के 100 एरेज मिल जाएंगे जिनको मैं एक्चुअली वेक्टर्स भी बोल सकता हूँ। सो इसका मतलब 15,000 डायमेंशनल स्पेस में आप इन वेक्टर्स को इस तरीके से प्लॉट करके देख सकते हो। सो अब अगर मेरे से पूछा जाए कि टीरियन का क्लोजेस्ट मैच कौन सा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिस्टेंस निकालूंगा, मैं डिस्टेंस निकालूंगा बाकी के वेक्टर्स के साथ। अब डिस्टेंस आप कोसाइन डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, यूक्लिडियन डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, और जो नियरेस्ट वेक्टर होगा वही टीरियन का क्लोजेस्ट पर्सनैलिटी है।
ठीक है, सो दिस वॉज माई अजम्पशन. अब आप इस पर डिसअग्री भी कर सकते हो, आप कुछ बेटर सोल्यूशन भी सुझा सकते हो, और आपको सुझाना भी चाहिए. कमेंट्स में लिख के बताना अगर आपके पास इससे बेटर सोल्यूशन है तो. सो इतना मैंने किया. अब ऑब्वियसली 15,000 डायमेंशनल स्पेस में मैं प्लॉट करके नहीं देख सकता, मुझे तो प्लॉट करना था तो मैं प्लॉट करके नहीं देख सकता. सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसके ऊपर टीसने लगाऊंगा और इस 15,000 डायमेंशनल स्पेस को 2D में लेके आऊंगा वाइल रिटेनिंग मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कि ये 15,000 डायमेंशनल स्पेस में कैसे ऑर्गेनाइज है, और फिर मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊंगा. ठीक है, सो उसके आगे का कोड बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले हमने काउंट वेक्टराइजर अप्लाई किया जिसने इस पूरी चीज को कन्वर्ट कर दिया इनटू वेक्टर्स. यू कैन सी अगर आप एम्बेडिंग्स का शेप देखो तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे क्या हो रहा है. एम्बेडिंग्स डॉट शेप, सो 100 कैरेक्टर्स 15,000 वर्ड्स उन्होंने कितनी बार बोले. ठीक है, फिर उसको एक्सप्लिसिटली मैंने फ्लोट में कन्वर्ट किया क्योंकि एरर थ्रो हो रहा था, और फिर मैंने इसको अब टीसने के अंदर डाला. सब कुछ वैसा ही है, कुछ खास मैंने पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं किए, आपको करना चाहिए फ्यूचर में पढ़ के. और फिर हमने यहाँ पे फिर से जेड निकाला, और यहाँ पे भी जो जेड निकला है वो अगर आप उसका शेप निकालो तो आपको समझ में आएगा 100 पर्सनैलिटीज का 2D स्पेस में हम उसको लेके आ गया. पहले वो 100 पर्सनैलिटीज 15,000 डायमेंशनल स्पेस में थी, अब वो 2D में है. और अब मैंने अपने पुराने डेटा सेट में एक्स और वाई बोल के कॉलम ऐड कर दिया, और ये रहा मेरा नया डेटा फ्रेम. यू कैन सी लास्ट में एक्स और वाई है. सो हर पर्सनैलिटी उसका 2D रिप्रेजेंटेशन, हर पर्सनालिटी उसका 2D रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, और लास्टली मैंने जब उसको प्लॉट किया, सो दिस वाज द ग्राफ. बाय द वे मैंने सिर्फ 25 कैरेक्टर्स को प्लॉट किया जो सबसे ज्यादा फेमस कैरेक्टर्स हैं. 100 प्लॉट करने से जो ग्राफ था बहुत ज्यादा क्लटर्ड आ रहा था. सो ये रहा गाइस आउटपुट. सो यू कैन सी ब्रॉन और सैंडर क्लेगेन द हाउंड, ये दोनों बहुत सिमिलर हैं. ओलियाना टेरेल और मार्जरी बहुत सिमिलर है. अगर आप यहाँ पर आओ तो रॉब स्टार्क और थियोन ग्रेजॉय को सेम लेवल पे रखा जा रहा है, बट रॉब स्टार्क के क्लोजेस्ट है गैटलिन स्टार्क. आपका स्टैनिस बराथियन, रॉबर्ट बराथियन का छोटा भाई, और एडार्ड स्टार्क, दोनों बहुत सिमिलर हैं, जो अगेन मैं अग्री करता हूँ. और जोरा मॉर्मोंट, सर जोरा, और ब्रियन ऑफ तार्थ, ये दोनों को भी थोड़ा सिमिलर रखा गया है. अगर आप यहाँ पे आओ तो आर्या स्टार्क और सैमुअल टार्ली को सेम ब्रैकेट में है. इसका रीजन में भी ये है कि दोनों की पर्सनैलिटी का एक एस्पेक्ट सेम था कि ये दोनों बहुत कम उम्र में अपना घर छोड़ के बाहर निकल के बहुत कुछ सीखते हैं और अपनी जगह पे बहुत पावरफुल होते हैं. तो मे भी पता नहीं वो कैप्चर हुआ है. और यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिससे मैं बहुत अग्री नहीं करता, जैसे पीटर बेलिश, लॉर्ड वेरिस और सर डेवोस, तीनों साथ में हैं, बट डेनेरिस को यहाँ पे लाना पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा आया. सिमिलरली जॉन स्नो का नियरेस्ट इज जेमी लैनिस्टर, अगेन आई वुड डिसअग्री. तो कुछ चीजों में मैं अग्री नहीं कर रहा, कुछ चीजों में अग्री कर रहा हूँ, और उसका रीजन ये है कि मैंने अभी कम्प्लीटली इस पूरे मॉडल को ट्यून नहीं किया. यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको आप ट्यून कर सकते हो. सिमिलरली आप जो काउंट वेक्टराइजर यूज कर रहे हो उसमें रादर देन यूजिंग द एंटायर 15,000 वर्ड्स, आप 5,000 वर्ड्स, 10,000 वर्ड्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. सो यहाँ पे अभी काफी कुछ है करने के लिए. एनीवेज लास्ट स्टेप में मैंने ये किया कि ये जो मेरा एम्बेडिंग था, सॉरी ये जो मेरा जेड था, इनफैक्ट जो मेरा न्यू डीएफ था, इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया. इसमें सारा इंफॉर्मेशन है कौन सा कैरेक्टर है और उसका 2D रिप्रेजेंटेशन. और उसी से मैंने फिर क्या किया, एक स्ट्रीमलेट ऐप बनाया, और ये रहा वो स्ट्रीमलेट ऐप. और ये स्ट्रीमलेट ऐप की वजह से ही आपको ये वेबसाइट दिख रही है. ठीक है, तो ये सब मैं आपको बनाना नहीं दिखा रहा बिकॉज ये एक मिनी प्रोजेक्ट सॉर्ट ऑफ है. मैं बस आपको थोड़ा इंस्पायर करना चाहता था टीसने पढ़ने के लिए, बिकॉज इट इज वन ऑफ दोज एल्गोरिदम्स जो पढ़ के आप बहुत सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो. तो आपका होमवर्क ये है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद है तो आप इस चीज को बनाओ खुद से और इसको थोड़ा और इम्प्रूव करो. अलॉन्ग द वे आप सीखोगे टीसने कैसे काम करता है और हायर डायमेंशनल डेटा को आप कैसे प्लॉट करते हो. ठीक है, सो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको तीन चीजें सिखाऊंगा. पहली चीज हाउ टू विजुलाइज हायर डायमेंशनल डेटा इन 2D ग्राफ प्लॉट करके, वो हमने सीख लिया. फिर मैंने आपको बोला था मैं आपको गेम ऑफ थ्रोन्स वाली वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा. मैंने काइंड ऑफ आपको बता दिया 80%. आई विल ऑल्सो शेयर द कोड्स. मैंने फिर बोला था कि एक और चीज आपको सिखाऊंगा. सो थर्ड चीज ये है कि मैं आपको ये सिखाना चाहता था और शायद मैं सिखा भी पाया कि आप एक छोटे से मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट को कैसे प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो. अब आप मानो या ना मानो, अगर ये छोटी सी चीज एज अ फ्रेशर
आप अपने रेज्यूमे में डाल दो और सामने इंटरव्यूअर ने भी लेट्स से गेम ऑफ थ्रोन्स देख रखा है, जैसे मेरे एज का कोई इंटरव्यूअर है, मैं बहुत पसंद है मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स, तो आई वुड बी इंट्रीग और मैं आपसे फिर पूछूंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और अगर आप मेरे को सही आंसर्स दे पाए तो आई वुड बी इंप्रेस्ड। ठीक है, तो ये आइडिया बहुत छोटा सा था कि हाउ टू विजुअलाइज हाई डायमेंशनल डेटा इंटू लो डायमेंशनल स्पेस, बट आपने उसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया इंटू अ गुड इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। आप लोगों में से बहुत लोग मुझे प्रोजेक्ट्स के लिए पिंग करते हो और आप पूछते हो क्या बनाना चाहिए, या जो आपको पसंद है उसको कनेक्ट करो, जो आप लाइफ जी रहे हो उसको कनेक्ट करो मशीन लर्निंग से, और आपको ऑटोमेटिकली आइडियाज आने लग जाएंगे। तो बस मैं ये थिंकिंग आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, सो दैट्स इट, दिस इज अ स्मॉल वीडियो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज कमेंट्स में बताओ, वी वुड डिस्कस ओवर वी डिस्कस इट ओवर देयर। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।